Praise the Lord and good evening to all of you. आप सबको जय मसीह की और आज शाम मैं आप सबका स्वागत करता हूँ. We are studying the First Corinthians chapter 8 now. और पहली कुरिन्थियों की पत्री उसके आठवें अध्याय की ओर हम अपने अध्ययन को जारी रखें. I hope these lessons are profitable and benefiting you. और मेरी पूरी आशा और विश्वास है कि ये शिक्षाएं आपको लाभ दे रही हैं और आप इनका फायदा उठा रहे हैं. And I appeal and urge all of you to listen and do not miss any lesson. और इसलिए मैं आप सब से अनुरोध करता हूं कि आप किसी इसमें से एक भी भाग को में जुड़ना ना भूलिए, लेकिन हर एक शिक्षा का भाग बनिए. This in-depth study will not be available on Sunday mornings or evenings. याद रखिए, इस प्रकार का गहन अध्ययन रविवार की सुबह के कलीसिया के समय नहीं हो सकता. So the eighth chapter of First Corinthians. और इसलिए पहले कुरिन्थियों की पत्री और उसका आठवां अध्याय. And this chapter deals with food offered to idols and what will be our response if an invitation comes to eat with an idol worshipper. और ये अध्याय बात करता है उस खाने के विषय में जो मूर्तियों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, और कैसे जब एक न्योता आता है ऐसे एक जगह पर जाने के लिए, तब क्या वो खाना खाना सही है. And also what will we do with the invitation to attend one of their social event or some invitation for on a special occasion in the family. और कैसे हम एक सामाजिक रूप से एक उत्साह या एक पर्व का भाग बन सकते हैं जो एक पारिवारिक रूप से हमें बुलाया जाता है. The concern was serious because especially the meat prepared for the occasion would probably is offered to idols first. और ये परिस्थिति गंभीर है क्योंकि ऐसे एक उत्साह या पर्व में जो मीट या मांस जो परोसा जाता था वो पहले मूर्तियों के सम्मुख रखा जाता था. And I hope all of you remember our studies, introductory studies on this chapter last Wednesday. और पिछले बुधवार को मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब हमने जो अध्ययन शुरू किया था इस अध्याय आठवें अध्याय का, इसको आप सब ने देखा है. And we concluded by this statement. और हमने इस प्रकार से पिछले अध्ययन को रोका था. Love unites a person to God. और प्रेम एक व्यक्ति को परमेश्वर के संग एक कर देता है. He is acceptable to God not because of knowledge but because of love. और परमेश्वर ज्ञान के अनुसार नहीं लेकिन प्रेम के अनुसार लोगों को ग्रहण करता है. According to chapter 8 verse 3. और पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका आठवां अध्याय तीसरा वचन. Which says, if anyone imagines that he knows something, he does not yet know as he ought to know. But if anyone loves God, he is known by God. क्षमा करिए. परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है. So the first thing we noted in this regard is judge things by love, not by knowledge. और इसलिए इस अध्ययन में आगे बढ़ते हुए जो पहली बात हमने देखी थी वो प्रेम के अनुसार हम वस्तुओं या लोगों का न्याय करना सीखे, ना कि ज्ञान के अनुसार. Now knowledge must be balanced by love. और याद रखिए, ज्ञान को हमें प्रेम से सम्मिलित करना है या बराबर बना करके रखना है. That was the first thing. और ये वो पहली बात थी. The second thing to be noted is food does not make a person spiritual. और इसलिए आज के दिन जो दूसरी बात जिससे हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे वो ये है कि खाना किसी व्यक्ति को आत्मिक नहीं बनाता. The Corinthian problem was a very critical problem. और जो कुरिन्थ के विश्वासियों की समस्या थी एक गहन समस्या थी. We have already discussed the reason for this. और हमने इसका जो कारण है उसको पहले ही इस विषय में बात किया है. Remember our introductory passage on the study of this. और इसके लिए आपने जो हमने पिछले बुधवार को शुरुआत में जो अध्ययन किया था उसे आप देख सकते हैं. Paul agreed with those who knew
that an idol is nothing. Apollos उन सब के संग हामी भरता है जो इस बात पर सहमत हैं कि एक मूर्ति कुछ है ही नहीं. An idol is nothing at all in the world. और एक मूर्ति इस संसार में कुछ भी नहीं है. And this, once we understand this, और जब हम एक बार इस बात को समझ जाते हैं, lot of other problems will be solved. और कई और दूसरी समस्याएं भी हल हो जाती हैं. And idols are not God. और याद रखिए मूर्तियां कोई ईश्वर या परमेश्वर नहीं. And he was really saying. और वो सत्य रूप में ये कह रहा था. An idol has no real place in the world. कि एक मूर्ति का एक वास्तविक संसार में कोई स्थान है ही नहीं. Now you think about it. और आप इस विषय में सोचिए. And then you'll have no problem in understanding why the idol are nothing and an idol is nothing in the world at all. जब आप इस विषय में सोचेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक मूर्ति सच में कुछ है ही नहीं. And an idol has no real place in the world. और एक मूर्ति का इस वास्तविक संसार में कोई हिस्सा है ही नहीं. And it had no power over the elements of nature. और एक मूर्ति का इस प्राकृतिक तत्वों के ऊपर कोई भी प्रभाव है ही नहीं. Rather, लेकिन इसके बजाय there is one God, सिर्फ एक ही परमेश्वर है, who controls the entire planet Earth and also the sky, जो पूरी ब्रह्मांड पूरी पृथ्वी पर अपने नियंत्रण को रखता है. बिलीव इन द ट्रूथ that the world is controlled by this one true God. और इस सत्य पर विश्वास करना कि पूरा संसार इस एकमात्र सच्चे खुदा या परमेश्वर से नियंत्रित है. That belief will deliver any Christian from superstition and fear. और ये विश्वास किसी भी मसीही को एक किसी प्रकार के अंधविश्वास या किसी भी प्रकार के भय से आजाद कर सकता है. What is an idol? कि एक मूर्ति है क्या? An idol is the product of a human hand. याद रखिए एक मूर्ति तो मनुष्य के हाथों से बनाया गया वस्तु है. Thus, idol has no power at all. और इसलिए क्योंकि वो मानव के हाथों से बनाया हुआ एक वस्तु है, उसके पास कोई शक्ति है ही नहीं. Nor real influence in the realm in which Jehovah operates. और ना ही उस आयाम में उसका कोई वास्तविक सच्चाई है जहां पर यहोवा परमेश्वर विराजमान और कार्य करता है. It is true that people call out to other gods. और ये तो सत्य है कि लोग दूसरे परमेश्वर के नाम दूसरे ईश्वरों के नाम को पुकारते हैं. And of course there are literally hundreds and millions of gods. और सत्य भी है और लोग जैसे लोगों का कहना और मानना है लाखों और करोड़ों देवी देवताएं उपलब्ध हैं. And there are multitudes of these claims. और इस प्रकार के कई सारे दावे उपलब्ध हैं. To make it appear authentic. ताकि इस बात को दिखावा किया जाए या साबित करने की कोशिश की जाए कि ये सारे सच हैं. The devil makes lying claims and performs lying miracles. याद रखिए शैतान झूठे दावों को करता है और झूठे चिन्ह और चमत्कार दिखाता है. So, और इसलिए we must also understand that Satan has his power to perform miracles. आपको ये भी समझना है कि शैतान के पास अपना शक्ति भी है कि वो चिन्ह चमत्कार करे. But this very multitude proves inadequacy on their part. लेकिन ये लाखों और करोड़ों जो उपलब्ध हैं देवी देवता ये अपने आप में अपनी कमजोरी और निर्बलता को दर्शाते हैं. But the fact remains that there is only one God. लेकिन सत्य तो यही निकलता है कि सिर्फ एक ही परमेश्वर है. One true God. और सिर्फ एक ही सत्य परमेश्वर है. Whether or not he is acknowledged. और चाहे हम उसे माने या ना माने. And it is true they are not acknowledged in heathen society. और ये तो सत्य है कि गैर विश्वासी जो समाज है उसमें वो इस बात को मानेंगे ही नहीं. Idols, what are they? और ये मूर्तियां हैं क्या?
they are gods of their own minds and imagination. वो अपनी सोच और अपने मन के अनुसार बनाई गई मूर्तियां हैं. Their ideas and their notions. और मनुष्य के अपने विचार, अपनी सोच, अपनी कल्पनाओं के अनुसार बनाई गई मूर्तियां. They are idols of wood and stone. और ये मूर्तियां लकड़ी या धातु की बनती हैं. And they are gods of their own creation. और वो अपने ही बनी हुए हाथों की सृष्टि के परमेश्वर या ईश्वर बनते हैं. That's what an idol is. और यही एक मूर्ति है. But in contrast, लेकिन दूसरे हाथ पर, what is a true God? एक सच्चा परमेश्वर कौन है? There is but one God. वहाँ सिर्फ एक ही परमेश्वर है. There are no multitude of gods to confuse people. और याद रखिए, सैकड़ों, हजारों या लाखों देवी ईश्वर नहीं हैं ताकि लोगों को परेशान करें. Only one who is the supreme majestic being of the universe. और सिर्फ एक ही है जो इस बहुमंडल, इस ब्रह्मांड में सबसे उच्च स्थान, सर्वोत्तम, सर्वशक्तिमान और ऐश्वर्य से भरा हुआ है. He is the father of our Lord and Savior Jesus Christ and ours too. और हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पिता, परमेश्वर पिता, जो हमारा पिता भी है. He is the source of all his creations. और वो हर एक रची हुई वस्तु का स्रोत है. From whom came all things. जिसके द्वारा हर एक वस्तु आई. Contrast this with idols. और इसकी तुलना आप मूर्तियों से कर सकते हैं. Idols are gods of their own making and then call them gods. और जबकि दूसरे हाथ पर मूर्तियां तो अपने हाथों से मनुष्य बनाता है और बनाकर उसे कहता है कि ये मेरा ईश्वर है. But the God of the Bible. लेकिन इस पवित्र शास्त्र बाइबल का जो परमेश्वर है. We are in him. और हम तो उसमें हैं. And he is our life. और वो हमारा जीवन है. He is the source of all good. और वो हर एक अच्छी और भली बात का स्रोत है. And he is also the source of all good and perfect gifts. और वो हर एक सिद्ध और अच्छे तोहफे का भी स्रोत है. That is the first thing. और ये वो पहली बात है. The second thing is. तो दूसरी बात है. There is one Lord Jesus Christ. और सिर्फ एक ही प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह है. Who stands supreme between man and God. जो कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में सर्वोत्तम के रूप में खड़ा है. By him all things are. और उसी के द्वारा हर एक वस्तु सृजी गई. He is the agent. Who created all things? और ये यीशु ही है जिसके द्वारा या जिसने हर एक वस्तु को बनाया. He created all things for God. और उसने हर एक बात को परमेश्वर के लिए बनाया. The Gospel according to Saint John chapter 1 verses 1 to 3. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पहले वचन से लेकर तीसरे वचन तक. He says, "In the beginning was the Word." और वचन में इस प्रकार लिखा है कि आदि में वचन था. And the Word was with God. और ये वचन परमेश्वर के पास था. And the Word was God. और ये वचन ही परमेश्वर था. He was from the beginning. और वो अनंत से था. All things were created by him. और हर एक वस्तु को उसके द्वारा बनाया गया. And without him. और उसके बिना. Nothing was created that has been created. ऐसी कोई भी वस्तु बना ही नहीं गई जो नहीं दिखती. And in him was life. और उसमें ही जीवन था. And that life was the light of men. और ये जीवन मनुष्य के या मानव के लिए एक ज्योति बना. And this light shines in the darkness. और ये ज्योति अंधकार में चमकती है. But the darkness did not simply understand. लेकिन ये अंधकार इसे समझ नहीं पाया. So that is the difference. और ये वो अंतर है. And all this passage, and then again in Colossians chapter 1. और फिर से कलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय. कलुसियों की पत्री पहला अध्याय 15वें वचन से. Fifteen, sixteen, and seventeen. पंद्रवा, सोलवा और सत्रवा वचन. We are told here.
और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, He is the image of the invisible God. वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है. The firstborn of all creation. सारी सृष्टि में पहलौठा. For by him all things were created in heaven and on earth. क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की. Visible or invisible. देखी या अनदेखी. All things, visible or invisible, whether thrones or dominions, क्या सिंहासन क्या प्रभुताएं, or rulers or authorities, क्या प्रधानताएं क्या अधिकार, and all things were created through him and for him, और उसी के लिए सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं. And he is before all things. और वो सारी वस्तुओं से पहले. And in him all things hold together. और उसी में सारी बातें आपस में सब वस्तुएं स्थिर रहती हैं. If I want to have a God, I want such a God. और अगर मेरे पास कोई परमेश्वर होना है तो एक ऐसा परमेश्वर मुझे चाहिए. Who does not need my help for his being. जिसे मेरी आवश्यकता अपने अस्तित्व के लिए नहीं चाहिए. बट वी ओ एवरीथिंग वी आर एंड वी हैव टू हिम. लेकिन जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमें चाहिए, सारी बातों का स्रोत वही है. एंड दिस इज द ट्रूथ. और यही सच्चाई है. वी आर बाय हिम. हम उसके द्वारा हैं. He is the Savior who redeemed us. और ये वो उद्धार करता है जिसने हमें छुटकारा. And He alone is the Savior of the world. और वही एकमात्र इस संसार का उद्धार करता है. Now the point is this. और बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है. Some of the Corinthian believers were immature. Who possessed immature knowledge? कई सारे कुरिंत के विश्वासी अवयस्कों के समान एक छोटी या आधे ज्ञान, अधूरे ज्ञान को अपने पास लिए हुए. Such immaturity may cause them to fall back into sin. और ऐसी अवयस्कता उन्हें वापस पाप में पाप की ओर गिराने की ओर ले जाती है. And defile their conscience. और अपने विवेक को वो अशुद्ध करते हैं. They have not grown enough spiritually. और वो आत्मिक रूप से अभी इतने सयाने नहीं हुए हैं. To break away from the world and its practices and false beliefs. ताकि वो इस संसार के अनुभवों से और उनके झूठे विश्वासों से वो बाहर निकल सके. And they were not spiritually strong enough to control them, their minds. और वो आत्मिक रूप से इतने मजबूत और शक्तिशाली नहीं थे कि अपने मनों पर नियंत्रण रख सके. Well, they did not have control over in their own beliefs. और उन्हें अपने विश्वास पर भी, अपने जिन बातों पर वो विश्वास करते थे उन पर भी नियंत्रण नहीं था. The fact is, सच्चाई तो ये है, that food is immaterial to God. और याद रखिए कि खाना परमेश्वर के लिए कोई वस्तु है ही नहीं. It does not make any one of us spiritual or unspiritual. इसीलिए खाना हम में से किसी को भी ज्यादा आत्मिक या कम आत्मिक नहीं बनाता. Eating or abstaining does not make one acceptable to God. और इसलिए याद रखिए, खाना या किसी बात को या किसी वस्तु को खाना या उसे ना खाना एक को परमेश्वर के पास ग्रहण योग्य नहीं बनाता. And does not make us better or worse. या हमें किसी से अच्छा या किसी से बुरा नहीं ठहराता. It is important that we maintain a good conscience. और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एक अच्छे विवेक को लेकर के चले. And that is important. और ये महत्वपूर्ण है. Look at verse 8. और आठवें वचन की ओर आप देखिए. भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता. यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो भी कुछ लाभ नहीं. Food will not commend us to God. We are no worse off if we do not eat, and no better off if we do.
8. You will. Okay. Food is too small a matter, and God is too great to allow it to determine our relationship with Him. और इसलिए याद रखिए, खाना एक बहुत ही छोटी सी वस्तु है और परमेश्वर एक बड़ा और महान परमेश्वर है, और इसलिए वो खाने को या खाने को इस तरीके से अनुमति नहीं देता कि वो हमारे परमेश्वर के संग हमारे रिश्ते को नियंत्रित करे। The heart of the problem is, the problem in Corinth was having the right motive toward God and others. और इसलिए कुरिन्थ की कलीसिया में मौजूद समस्या का जो मध्य था वो ये था कि परमेश्वर के प्रति सही स्वभाव कैसे बना करके रखे। Now Paul gives importance to our conscience. और इसलिए पौलुस हमारे विवेक को या अंतर आत्मा को महत्वपूर्ण बताता है। The meaning is, इसका अर्थ ये है, to know with conscience is that internal court where our actions are judged. Can you repeat that? The meaning is the conscience. The meaning of this word conscience is to know with conscience is that internal court. और इसलिए ये शब्द विवेक या अंतर आत्मा का अर्थ ये है कि हम जाने, हम उस विवेक के साथ उस भीतरी कार्यालय के अंदर उन बातों को जाने। And where our actions are judged, जहां पर हमारे कार्यों का न्याय किया जाता है। And there they are approved or condemned, जहां पर उन कार्यों के प्रति हामी भरी जाती है या उन्हें दोष ठहराया जाता है। Conscience is not the law. और इसलिए याद रखिए, आपका विवेक या अंतरात्मा व्यवस्था नहीं है। Conscience bears witness to God's moral law. लेकिन आपका विवेक परमेश्वर के नैतिक व्यवस्था की ओर एक गवाही को देता है। Some Christians have a weak conscience. और कई मसीहों के पास एक कमजोर विवेक है। Why? क्यों? There may be two or three examples. Reason. दो या तीन कारण हैं जिनकी वजह से कई मसीहों के पास कमजोर विवेक है। Number one. पहला कारण। They have been saved only a short time. और कुछ कम समय पहले ही वो बचाए गए हैं। And have had no opportunity and time to grow up. और उनके पास वो मौका उन्हें मिला ही नहीं कि वो आगे परमेश्वर में बढ़े और अपने आत्मिक जीवन में। And like babies, they must be guarded by the strong ones. और इसलिए बच्चों के समान जो विश्वास में वयस्क है और बड़े हैं, उनकी रक्षा बच्चों के समान करनी है। And secondly, दूसरा कारण, other have weak consciences because they will not grow. और कईयों के पास कमजोर विवेक है क्योंकि वो बढ़ते नहीं, वयस्क नहीं होते। They ignore their Bibles. वो अपने वचन या पवित्र शास्त्र के को हल्के में लेते हैं। They ignore their fellowship, Christian fellowship. मसीही सहभागिता में नहीं आते या उसके प्रति एक हल्का स्वभाव बनाकर रखते हैं। And they remain in a state of infancy. और वो एक बचपने की या बच्चे का जो स्तर है उसी पर बने रहते हैं। And support these points, और इन सारे कारणों को स्थापित करने के लिए, let us turn to 1 Corinthians, पहले कुरिन्थियों की ओर हम देखें, chapter 3, तीसरे अध्याय की ओर। chapter 3 verses 1 to 4, और तीसरा अध्याय पहले वचन से लेकर चौथे वचन तक। Then what advantage has the Jew? Or what is the value of circumcision? Much in every way. To begin with, the Jews were entrusted with... Reading Romans. I am reading. Thank you. Chapter 3 of 1 Corinthians, verses 1 to 4. पहला कुरिन्थियों तीसरा अध्याय पहले वचन से लेकर चौथे वचन तक। But I, brothers, could not address you as spiritual people, but as people of the flesh, as infants in Christ.
I fed you with milk, not solid food, for you were not ready for it. And even now, you are not yet ready, for you are still of the flesh. For while there is jealousy and strife among you, are you not of the flesh and behaving only in a human way? For when one says, I follow Christ, and another, I follow Apollos, are you not being merely human? हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको खा नहीं सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोलुस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? Now, this passage is something that we all need to ponder and learn by the help of the Holy Spirit. और ये एक वचन का ऐसा भाग है जिन्हें पवित्र आत्मा के आवश्यकता या उसकी सहायता की आवश्यकता से हम सबको सीखना है। Hebrews chapter 5 verses 11 to 14. इब्रानियों की पत्री उसका पांचवा अध्याय 11वें वचन से लेकर 14वें वचन तक। About this we have much to say, and it is hard to explain since you have become dull of hearing. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the basic principles of the oracles of God. You need milk, not solid food. For everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child. Since solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. Now, to save time, let me explain to you what is in it. और इसलिए समय बचाने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वचन में क्या बात हो रही है। What are we talking about? और हम किस विषय में बात कर रहे हैं? Why some Christians have a weak conscience? कि क्यों कुछ मसीहों के पास कमजोर विवेक है? The number one. पहली बात। They have been saved only a very short time and have no opportunity or time to grow up. कि वो अपने विश्वास में कुछ समय पहले ही आए हैं और उन्हें ये मौका नहीं मिला कि वो अपने आत्मिक और विश्वास आत्मिक जीवन में और विश्वास में आगे बढ़े। Others have a weak consciences because they will not grow. और दूसरों के पास कमजोर विवेक है क्योंकि वो बढ़ना नहीं चाहते। Why they don't grow? और वो क्यों नहीं बढ़ते? Because they ignore their Bibles. क्योंकि वो अपने पवित्र शास्त्र के प्रति या बाइबल के प्रति हल्का व्यवहार रखते। They ignore and neglect the Christian fellowship. और वो मसीही सहभागिता के प्रति भी हल्का रवैया रखते हैं। And everything God provided as a means of grace. और हर एक वो बात जो परमेश्वर ने अनुग्रह से दिया। Like close fellowship with one another. एक दूसरे के संग गहन सहभागिता। And learning from each other. एक दूसरे से सीखना। And thus together they grow in the knowledge of God. And many people don't allow themselves to enjoy these privileges. Now thirdly, some believers remain weak conscience because they are afraid of freedom. कई सारे मसीही उनका विवेक कमजोर है क्योंकि वो स्वतंत्रता या आजादी का भय उनके भीतर है। हाँ, that is something that you may not understand, I may not understand fully, but you know, there are people who are afraid of real freedom. और ऐसे कई सारे लोग हैं जो डरते हैं या भय में हैं सच्ची स्वतंत्रता या आजादी को लेकर। They are like a child, old enough to go to school. और वो एक उस बच्चे के समान है जो बड़ा हो गया है विद्यालय जाने के लिए। But afraid to leave home. लेकिन वो घर छोड़ने से डरता है।
and must be taken to school each day by his mother. और क्योंकि वो घर जाने छोड़ने से डरता है, इसलिए माँ के द्वारा उसे प्रतिदिन स्कूल ले जाया जाता है. That is a problem. They are like a child. He is old enough, but doesn't want to go to school alone. और वो तो उस बच्चे के समान है जो वयस्क हो चुका है विद्यालय जाने के लिए, लेकिन वो जाना नहीं चाहता. In the Gospel according to St. John chapter 5, और यहुन्ना रचित सुसमाचार उसका पांचवा अध्याय, Jesus asked a paralytic, और यीशु ने एक लकवाग्रस्त से ये बात किया, Do you want to get well? कि क्या तू चंगा होना चाहता है? Why did Jesus ask that question? क्यों यीशु ने ये सवाल पूछा? Psychologist will tell you, एक मनोवैज्ञानिक आपको ये बात बताएगा, Some who have been sick for a long time, वो जो कुछ लंबे समय से रोगी हैं, They in fact prefer to remain sick. वो इस बात को लेकर यही करना चाहते हैं कि वो अब बीमार ही बने रहे. You know why? आपको पता है क्यों? Because they see that others are caring for them. क्योंकि वो इस बात को देखते हैं कि क्योंकि वो बीमार है, दूसरा उनकी चिंता करता है. And others do everything for such और दूसरे हर एक बात को उन लोगों के लिए करते हैं. Even There are people to feed such people. और ऐसे लोगों को खिलाने के लिए भी लोग मौजूद हैं. And so ultimately, और इसलिए अंत में, he is worse than a small child, and helplessly lying, and everything is done for him or her by others. और इसलिए एक ऐसा व्यक्ति एक छोटे बच्चे से भी निचले स्तर पर है, क्योंकि हर एक बात को दूसरा उसके लिए करेगा. And this is the problem with some grown-up people. और यही समस्या है कुछ वयस्क लोगों के साथ. Because they have not grown enough mentally and emotionally as a person to make choices in life. कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो मानसिक रीति से और भावनात्मक रीति से अभी बड़े नहीं हुए हैं कि चुनावों को जीवन में करें. So we will close here today. और आज के दिन हम यहाँ पर रोकेंगे. And it is we will continue this next Wednesday. और अगले बुधवार को हम अपने इस अध्ययन को जारी रखेंगे. And we shall consider the third point to be noted. तीसरी बात की ओर अपने अध्ययन को बढ़ाएंगे जिसे हमें देखना है. So what is the third point? और तीसरी बात क्या है? You must take care. Do not be a stumbling block. कि आप दूसरों के लिए रुकावट का पत्थर ना बने या ठोकर खाने का एक पत्थर ना बने. Praise God. परमेश्वर के नाम का स्तुति. And I hope that all of you have been blessed by the learning of God's word today. और मुझे पूरी आशा है कि परमेश्वर के वचन के अध्ययन के द्वारा आप सब आशीषित हुए हैं. And next Wednesday we will look into the third point. और इसलिए अगले बुधवार को हम तीसरे बात पर अपने अध्ययन को जारी रखेंगे. Which is जो कि है. Do not be a stumbling block. कि आप दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने. Based on 1 Corinthians chapter 8 verses 9 to 11. जो कि जिसके लिए वचन है पहला कुरिन्थियों आठवां अध्याय नवे वचन से लेकर ग्यारहवें वचन तक. And my exhortation to you is read this passage today itself. और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आज के दिन ही आप वचन के इस भाग को जरूर पढ़िए. Amen. Amen. So we need the Holy Spirit in all these things. और हमें पवित्र आत्मा का आवश्यकता है इन सारी बातों में. Believers. विश्वासियों. Brothers and sisters. भाइयों और बहनों. Let me urge you. मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ. We need to grow up. हमें हम सब को बड़ा होना है, सयाना बनना है. And we therefore need to not only exercise but then eat the real solid
food. और इसलिए ना केवल हमें सिर्फ व्यायाम करना है, लेकिन साथ ही साथ हमें जो कठोर या मजबूत खाना है, अन्न है, वो खाना है. Let us not keep ourselves in the category that 1 Corinthians chapter 3 talks about. और इसलिए हम अपने आप को उस समूह में ना आके या रखे जो पहला कुरिन्थियों तीसरे अध्याय में बात की जाती है. The problem is not growing up. समस्या वहां पर ये है कि लोग बड़े ही नहीं हो रहे. Yes, that's why we have people, maybe physically they may be 250 pounds. और इसीलिए कई सारे लोग ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से तो 125 किलो के हैं. But they still behave like small kids. लेकिन अभी भी वो छोटे बच्चों के समान रवैया रखते हैं. Why? क्यों? Not growing up. वो बढ़ नहीं रहे. Why? क्यों? Because they don't take the needed exercises and food. In order to grow up. और वो उन व्यायामों को और उन कसरतों को और खाने को नहीं लेते और करते जिनकी जरूरत है बढ़ने के लिए. Spiritual exercises. और वो आत्मिक अभ्यास. Spiritual food. और वो आत्मिक भोजन. You know the fellowship, coming together in fellowship. और क्या आपको पता है एक साथ आना सहभागिता में. Is a means of grace of God for us. To grow. और ये परमेश्वर की ओर से एक अनुग्रह है कि हम एक साथ आकर बढ़ते चले जाएं. Studying God's word. परमेश्वर के वचन का अध्ययन. Is like taking solid food. वो इस समान है कि मानो वो कठोर या अन्न हम खाते हैं. And then meeting one another. और हम एक दूसरे से मिलना. And sitting in a Bible study like this regularly. और इस प्रकार के एक बाइबल अध्ययन में रोजाना या वास साप्ताहिक रूप से जब हम जुड़ते हैं. By the help of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा our minds will be enlightened. हमारे मन प्रकाशित कर दिए जाएंगे. We will be able to understand deeper truth of God's word. और हम परमेश्वर के वचन की गहन शिक्षाओं को और सत्य को जानने पाएंगे. And thus we are growing. और उसके द्वारा हम बढ़ते चले जाएंगे. O blessed Lord, हे हमारे आशीषित परमेश्वर, we thank you for today's learning. हम धन्यवाद करते हैं आज के अध्ययन. Today's lesson from 1 Corinthians chapter 8. आज की शिक्षा जो तूने पहले करिन्थियों आठवें अध्याय से हमें दिया. We all know that an idol is nothing, and an idol has no place in the world, and it does not participate in performing any miracles. We know all हम सब जानते हैं कि एक मूर्ति कुछ भी नहीं है और वास्तविक संसार में इस मूर्ति का कोई स्थान नहीं, कोई सच्चाई नहीं, क्योंकि किसी भी आयाम के तत्वों पर अपने नियंत्रण को नहीं रखता. And so, Lord, instead of being puffed up by the knowledge, और इसलिए परमेश्वर उस ज्ञान के घमंड में ना आए हम. Let us be more humble. लेकिन हम और दीन होते चले जाएं. We need you, हमें तेरी आवश्यकता है पवित्र आत्मा. Holy Spirit of God, परमेश्वर का पवित्र आत्मा. Come to the aid of your children. अपने बच्चों की सहायता के लिए आप आइए. Let them grow. और होने दे हम सब वयस्क होते चले. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. Dear brothers and sisters, God bless you. मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे. Have a good night. एक अच्छी रात्रि आपकी बीते. Amen. Amen.